आने वाले समय में देश के कई मशहूर और बड़े म्यूजियम वर्चुअल वर्ल्ड यानी इंटरनेट पर मौजूद होंगे। संस्कृति मंत्रालय ने ऐसे 10 संग्रहालयों का एक वेब पोर्टल शुरू किया है। www.museumsofindia.gov.in पर दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और हैदराबाद के सालार जंग समेत 10 संग्रहालयों की 11,000 से ज्यादा चीजों को डिजिटाइज कर पोर्टल पर डाला जा चुका है। संस्कृति मंत्रालय की योजना उन सभी संग्रहालयों को इस पोर्टल से जोड़ने की है जिनका नियंत्रण मंत्रालय या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हाथों में है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। आप घर बैठे बैठे ये सब आप देख सकेंगे और ये देखने के बाद निश्चित तौर से हर एक के मन में इच्छा होगी पर्सनली जाके देखे, ताकि टूरिज्म के लिए भी ये थोड़ा इससे बूस्ट निश्चित तौर से मिलेगा और इसका जो हमारी कल्चर का परिचय अच्छी तरह से घर में बच्चा भी वो निकाल के वेबसाइट पे निकाल के वो देख सकता है और इसकी पूरी जानकारी घर बैठे उनको मिल जाएगी। इस योजना की परिकल्पना करीब 3 साल पहले की गई थी। इस प्रोजेक्ट में वस्तुओं के डिजिटाइजेशन में पुणे के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने अहम भूमिका निभाई है। सीडेक के सॉफ्टवेयर जतन की मदद से संग्रहालय की वस्तुओं का डिजिटलीकरण किया गया है। दो चीज है, एक तो आम आदमी को या आम जनता को भी ये अपने धरोहर के बारे में जानकारी होगी, इसके अलावा ये एक रिपोजिटरी भी है कि कभी ज़रूरत पड़े, कभी रिसर्च करना पड़े या कभी उस वस्तु को रिस्टोर करना पड़े और आगे समय में उसमें मतलब जो मूल वस्तु उसमें कोई परिवर्तन आ जाए तो ये एक रिपोजिटरी है जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इस कदम से लोगों को संग्रहालयों से जोड़ने में बड़ी मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटन को भी इससे फायदा पहुंचेगा। 2014-15 में 7 और संग्रहालयों को इस पोर्टल से जोड़ा जाना है जिसमें बोधगया संग्रहालय, रत्नागिरी म्यूजियम और चेन्नई का फोर्ट सेंट जॉर्ज म्यूजियम शामिल हैं। विकास सारथी, DD News, दिल्ली।